अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज डेट है 1 जुलाई और डे है वेंसडे। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक जितना बायो का पढ़ लिया है उसको अच्छे तरीके से याद किया होगा। अब हमारे पास रह गया है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हम पढ़ेंगे, तो आपने कहना है कि सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आर डिस्क्राइब्ड बिलो। सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रोंकाइटिस। इसका आपको याद होगा एयर पैसेज वे जब हमने किया था तो वहाँ पे ट्रकिया और लंग्स, लंग्स के अंदर फिर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स पढ़े थे ना, याद है ना आपको जी। तो ये वही ब्रोंकाइटिस है, ये वहाँ की डिजीज़ है, ठीक है। यहाँ से इसका निशान लगाना शुरू करें। इट रिज़ल्ट इन एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, यानी जब इसमें म्यूकस बलगम बहुत ज़्यादा रेशा प्रोड्यूस हो जाता है, सिक्रेट हो जाता है इन टू द ट्यूब्स लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ द ट्यूबुलर वॉल्स। बहुत ज़्यादा म्यूकस जब सिक्रेट होता है, निकलता है ट्यूब्स के अंदर, तो फिर ट्यूब्स स्वेलिंग सूज जाती हैं जिसकी वजह से वो तंग हो जाती हैं, एंड नैरोइंग ऑफ द ट्यूब्स जिसकी वजह से ट्यूब्स तंग यानी नैरो हो जाती हैं, ठीक है। इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस बैक्टीरिया। यहाँ तक करने के बाद आपने ये लिखना है ब्रैकेट में टोबैको स्मोक, या फिर टोबैको स्मोक की वजह से होता है, ठीक है। ओके तो ये हो गया। अच्छा, ये डिसऑर्डर जब हम करते हैं ना तो वेरी इंपॉर्टेंट बात, आपने इसको हेडिंग बनाकर करना है, ठीक है। अभी हमने सबसे पहले ब्रोंकाइटिस ऊपर लिखा, यहाँ पर हमने लिख दी इसकी ये कॉजेस, ये इस तरह होती हैं। इट रिज़ल्ट इन एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ म्यूकस, करने के बाद ये कॉजेज, ये अलहदा से हेडिंग अब नीचे बनेगी। ब्रोंकाइटिस के बाद आपने इतना लिख के फिर कॉजेज बनाने, हेडिंग बनाई और ये 3 कॉजेज लिख दिए उसके, ठीक है। अब आगे हमारे पास है 2 तरह की टाइप्स हैं ब्रोंकाइटिस की, इसकी आपने अलहदा से हेडिंग बनानी है कि टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। देर आर 2 मेजर टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस, एक्यूट एंड क्रॉनिक। फिर से हेडिंग बनाएंगे, द एक्यूट ब्रोंकाइटिस यूजुअली लास्ट अबाउट 2 वीक्स, ये सिर्फ 2 हफ्तों के लिए रहती है, एंड पेशेंट्स रिकवर विद नो परमानेंट डैमेज टू द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। कहते हैं कोई इतना खास लॉन्ग लास्टिंग डैमेज नहीं होता और ये 2 हफ्ते तक रिकवर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हेडिंग देंगे, फिर आएगा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, द ब्रोंकाई डेवलप क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। इसमें कहता है कि बड़ी सिवियर सूजन हो जाती है, यूजली लास्ट फॉर 3 months to 2 years, जो कि 3 महीनों से लेकर 2 साल तक रहता है, यानी ये लंबा अरसे तक रहता है और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। फिर आप बनाएंगे सिम्टम्स की हेडिंग। सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस इंक्लूड अ कफ, माइल्ड वीजिंग, फीवर, चिल्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब। कहते हैं कि इसमें जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आपको सांस बहुत आहिस्ता आहिस्ता आता है, ठीक है, खुल के नहीं सांस आता, खांसी होती है, सांस लेने में मसला होता है, बुखार हो जाता है, सर्दी लगनी शुरू हो जाती है, तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं, ओके। ये करने के बाद आपने आना है एम्फिसीमा में। इसी तरह हमने इस, ये दूसरा डिसऑर्डर है, इसमें भी हमने हेडिंग्स बना के काम करना है, ठीक है। एम्फिसीमा इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द एल्वियोलाई। अब हमने एल्वियोलाई का भी देख लिया था उसी एयर पैसेज वे के अंदर, यानी कि ये भी हमें समझ आ गई है कि वाकई ही रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एज लंग टिश्यूज, लंग्स के अंदर ही था ना ब्रोंकाई और उसके बाद एल्वियोलाई उसके अंदर, ठीक है। तो एज लंग टिश्यूज ब्रेक डाउन, कहता है जैसे ये टिश्यूज टूटने शुरू होते हैं लंग्स के, द लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर एक्सहेलेशन, सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट एंड इज ट्रैप्ड इन द लंग्स। कहते हैं लंग्स जैसे ही उसके टिश्यूज टूटने शुरू हो जाते हैं तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आता, जैसे ही हम एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन कौन सा प्रोसेस था, हवा अंदर लेके जाने वाला या बाहर लेके आने वाला, जी बाहर लेके जाने वाला, तो जैसे ही हवा बाहर जाएगी तो कहता है कि लंग्स दोबारा उस पोजीशन पर नहीं आते क्योंकि टिश्यूज ब्रेक डाउन हो चुके होते हैं, तो उसकी वजह से लंग्स में हवा जो सी है वो फूल जाते हैं, ठीक है। फिर हम आगे, ये आगे हमने यहाँ से कॉजेस किए थे, अब इसके सिम्टम्स करेंगे। सिम्टम्स ऑफ एम्फिसीमा इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग, थकावट, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड वेट लॉस, वजन भी कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। बाय द टाइम द सिम्टम्स ऑफ एम्फिसीमा अपीयर, द पेशेंट हैज़ यूजली लॉस्ट 50 to 70% ऑफ हिज और हर लंग टिश्यू। कहता है जैसे ही इसके सिम्टम्स जाहिर होना शुरू हो जाते हैं ना तो कुछ वक्त तक जो पेशेंट है उसके लंग टिश्यूज पर
50 से 70% तक जो से हैं खराब हो जाते हैं, ठीक है। द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड में गेट सो लो दैट इट कॉजेज सीरियस कॉम्प्लिकेशन, और ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत कम हो जाता है। आज हमने दो डिसऑर्डर किए हैं, इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, हेडिंग बना के प्रॉपर तरीके से कीजिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।